एग्जाम्पल को अगर तुम एक बार जिंदगी में समझ गए ना मेरे दोस्त, तुम ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना बंद कर दोगे जो तुम्हें लायक नहीं है। भाई चंदन, लकड़ी, सांप और वो खुशबू, पर मेरे दोस्त तू चंदन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एक जिंदगी में ऐसे लोगों की संगत छोड़ दो जो तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे लायक है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। So guys, कैसे आप सभी लोग, मैं जतिन स्वागत करता हूँ अपने इस आज की वीडियो में, जहां हम बात करेंगे जैसी संगत वैसी रंगत ऐसा क्यों बोलते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा, चंदन की लकड़ी, सांप लिपटा रहता है, खुशबू नहीं बोलता। वो एग्जाम्पल रिलेट करता है हमारा क्रिसेस जैसी संगत वैसी रंगत से। और वन मोर थिंग याद रख लो, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने आज सिर्फ एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ बस। बात छोटी सी है, अगर असली सोना भी, क्या दिमाग से ध्यान से सुनो, असली सोना भी अगर नॉवल्टी की दुकान पर बिकता है ना मेरे दोस्त, तो वो नकली ही लगता है। क्या समझे? असली सोना प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड भी अगर नकली आर्टिफिशियल की दुकान पर बिकता है मेरे दोस्त, तो वो नकली ही लगता है। और नकली गोल्ड भी अगर ज्वेलरी की दुकान पर बिकता है तो वो क्या लगता है? वो असली ही लगता है। गोल्ड वो भी था, फर्क किससे पता चला हमको? उसके आसपास के वातावरण से, उसकी संगत से, उसकी रंगत से। आप बात समझ में तुम्हें आ रही होगी, ऐसा क्यों बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तुम जैसे लोगों के बीच में रहते हो, लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं। इस एग्जांपल को अगर तुम एक बार जिंदगी में समझ गए ना मेरे दोस्त, तुम ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना बंद कर दोगे जो तुम्हें लायक नहीं है। तुम्हें मालूम है मैं जिंदगी में कभी भी लोगों के साथ भी खड़ा नहीं होता हूं जो मेरे लायक नहीं होते, जो मेरे जैसे नहीं है, जिनके जैसा मैं नहीं हूं। क्योंकि मुझे पता है जैसे वो लोग हैं, अगर मैं उनके संग खड़ा रह गया तो लोग मुझे वैसा ही समझेंगे। अब बहुत से लोग मुझे क्रॉस रिप्लाई करेंगे कि भाई चंदन, लकड़ी, सांप और वो खुशबू। तो मेरे भाई याद रखना, दुनिया जो है ना, दुनिया सांप नहीं, दुनिया अजगर की तरह है। पर मेरे दोस्त तू चंदन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एक दिमाग में याद रख, तू चंदन की तरह नहीं है। मैंने पहले भी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने यही सेम चीज बोली थी। मुझे एक रिप्लाई आता है, भाई वो चंदन, लकड़ी, सांप, खुशबू। अरे मेरे दोस्त, पहले चंदन की तरह बनो, फिर खुद को चंदन से कंपेयर करो। दुनिया तो सांप नहीं, दुनिया तो अजगर की तरह है, पर तुम चंदन की तरह प्योर नहीं हो। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू द प्योर चंदन। इसीलिए जैसी संगत वैसी रंगत को तुम मिटाना चाहते हो ना, उसके लिए पहले तुम्हें चंदन बनना पड़ेगा। दुनिया तो अजगर है, अजगर रहेगी। याद रखो, जिंदगी में ऐसे लोगों की संगत छोड़ दो जो तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे लायक है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। इसीलिए याद रखो, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के बीच में रहोगे लोग तुमको वैसे ही देखेंगे। और अगर एग्जांपल और ये बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी।